छोड़ो, तेलुगु वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, उड़िया वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बंगला वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हिंदी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइफ टीवी। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। केरल के बाद अब यह यात्रा कर्नाटक पहुंच चुकी है और यहां भी यह यात्रा लगातार चलती जा रही है। कांग्रेस को किस कदर इस यात्रा से संजीवनी मिली है, अब यह कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छूती दिखाई पड़ रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि भाजपाई हो या अलग अलग पार्टी के लोग हों, जो कांग्रेस के खिलाफ चलते हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। वह अब कांग्रेस की इस यात्रा पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इसमें भूमिका सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं है, राहुल गांधी के साथ तमाम ऐसे नेताओं की भी है जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार लगातार इस यात्रा में साथ पैदल चलते जा रहे हैं और उनकी एक अलग अदा है जिसके लिए वह जाने जाते हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार छात्र नेता रहे हैं, तो छात्र नेता की जो अपनी भूमिका है उसको अदा करते हुए कन्हैया कुमार लोगों को जोड़ रहे हैं। इस रैली में उत्साह कम न पड़ जाए, उसमें जोश बढ़ाने की अगर कोई सबसे मजबूत टॉनिक है, पावरफुल टॉनिक है, तो वो कन्हैया कुमार भी नजर आते हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार छात्र नेता रहे हैं, तो छात्रों को संबोधित करना, गाने गाकर, नारा लगाकर, ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मजबूत कला है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो कन्हैया कुमार एक बार फिर से पुराने रंग में लौट आए हैं। वह सड़कों पर बैठकर लोगों को जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए गाने गा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और इतने अच्छे से उनके साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं कि जो भी उनके साथ होता है, अगर कन्हैया सड़क पर बैठ रहे हैं तो बाकी लोग भी बैठकर उनके साथ ताली पीटते हुए वो नारे लगा रहे हैं जो कन्हैया कुमार कहते हैं। भाषाओं को जोड़ने के लिए भारत जोड़ना है, लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ना है, धर्मों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ना है। तो कन्हैया कुमार का अपना अंदाज है, रोज स्लोगन लिखते हैं और फिर उस स्लोगन को अपने रिदम के, अपने जो उनका एक रिदम है, उस रिदम पर बिठाते हुए लोगों को भी मजबूर कर देते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में झूम लीजिए। आइए जरा सुनते हैं कन्हैया कुमार कैसे भारत को जोड़ रहे हैं, क्या उनका तरीका है। तेलुगु वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, उड़िया वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बंगला वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हिंदी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बिहारी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पंजाबी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, डोंगरी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कश्मीर वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, उर्दू वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, फारसी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पूरी वाले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो देखा आपने, कन्हैया कुमार का अंदाज बिल्कुल निराला है। एक ओर जहां राहुल गांधी पर देश भर की नजर है, वहीं कन्हैया कुमार भी एक ऐसे नेता हैं जिसको पूरा देश जानता है। और जब वह कन्हैया कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की रैली में लगातार चल रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, तो उनके इस अदा पर लोग दीवाने हैं। कांग्रेस के कई नेता, बड़े बुजुर्ग, युवा, जो भी हैं, हर कोई कन्हैया के साथ उस नारे को फॉलो करना चाहता है। चाहे वो कन्हैया अगर सड़क पर बैठे तो हर कोई सड़क पर बैठ रहा है, सड़क पर बैठकर इनके स्लोगन को और ऊंचाई दे रहा है और आवाज के साथ गुंजायमान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को जोड़ने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं और इस दौरान जो भी उनके साथ जुड़ रहा है उन्हें सहर्ष गले लगाते हुए फिर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसमें सोनिया गांधी की जब एंट्री हुई, और वह भी धमाकेदार एंट्री थी, देश ने देखा कि कैसे सोनिया गांधी इस उम्र में भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ती जा रही थी। वहीं कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के एक मजबूत तंत्र को, काफिले को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं। कोई थके नहीं, कोई निराश ना हो, इसलिए कन्हैया कुमार के पास सबसे मजबूत जो हथियार है वह है गाने का। वो ढपली बजाने वाले हैं, वो ताली पीटने वाले हैं और स्लोगन के जरिए उत्साह बढ़ाने वाले कन्हैया कुमार हैं।
और यह लगातार दिखाई पड़ता है। एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, कन्हैया कुमार के ट्विटर हैंडल से ही हमने उठाया है। उसमें वह जब योगेंद्र यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि वह डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनके पास नारों की कमी नहीं है, स्लोगन्स शब्दों की कमी नहीं है, और जब उसे वो अपने रिदम पे बैठा देते हैं तो पूरे जो उन काफिले में लोग चल रहे होते हैं, जो लोगों का हुजूम है, हर कोई कन्हैया कुमार को फॉलो करना चाहता है। आइए जरा उस हिस्से को भी थोड़ा सुनते हैं जब कन्हैया कुमार लोगों को उत्साह से भरने के लिए अपने इस अद्भुत कला का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। तो सुन लिया आपने, कन्हैया कुमार लगातार मीडिया से भी बातचीत करते हैं, और जब मीडिया सवाल करती है कि भारत में क्या टूट गया, क्या जोड़ना चाहते हैं, या फिर एक सवाल यह भी उठता रहता है कि कन्हैया कुमार से लोग पूछ देते हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकले हैं लेकिन यह यात्रा दक्षिण में हो रही है, आप उत्तर के हैं, क्या कांग्रेस को उत्तर में नहीं जोड़ना है? इस पर भी कन्हैया कुमार बेबाक जवाब देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और कहते हैं कि यह जो है, यह लोग, कुछ लोग इस तरह के सवाल करते हैं, भारत सिर्फ उत्तर में नहीं है, भारत दक्षिण में भी है। दक्षिण से अगर शुरू हो रही यात्रा श्रीनगर तक जाएगी तो उत्तर तक जाएगी, और 150 दिनों की यात्रा है। तो ऐसे में यह लगातार चल रहा है, ऐसी कोशिश है कि किस तरीके से पूरे देश में जो नफरत फैली है उस नफरत को खत्म कर दिया जाए। और कन्हैया कुमार के इस अंदाज को देखकर लगता है कि कांग्रेस को जिन जिन ताकतों की जरूरत थी, राहुल गांधी ने जैसे कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार भी संजीवनी का काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। खुद राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह चुके हैं कि कैसे उन्हें इस यात्रा के जरिए ताकत मिल रही है, कैसे लोगों को समझने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी बातें जो हैं बिल्कुल सटीक होती हैं। कन्हैया कुमार जो बोलते हैं वो तो ठीक है, राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आप जिस तरीके से कांग्रेस के पास वन क्वेश्चन करके सवाल करते हैं, वो आप भाजपा वालों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है सवाल पूछता है और उत्तर देने की बात वहां पर होती है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा मंच दिया, बड़ी लकीर खींच दी है कि कन्हैया कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो या और बाकी नेता हो, हर कोई अपने तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा में योगदान दे रहा है, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। केरल में जो अथाह प्यार मिला, जो कर्नाटक में अथाह प्यार मिला, उससे भाजपाई बौखला गए। भाजपाइयों ने राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की, उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर कुछ से कुछ मुद्दा निकालने की कोशिश करते रहे। एक मुस्लिम बच्ची के साथ जब राहुल गांधी चल रहे थे तो राहुल गांधी पर ही कमेंट करने वाले संबित पात्रा थे, जो धर्म उनको दिखने लगा था 5 साल की बच्ची उसके कपड़े में। फिर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया सुलेनत ने जो जवाब दिया वह भी काबिले तारीफ था। तो ऐसे में बताया जाता है कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है वह भी काफी मजबूत टीम इस बार आई है और अच्छे अच्छे को पानी पिला रही है। तभी तो मिस्टर राहुल करने वाले जो हैं वो अपना ट्वीट डिलीट कर गए रिपब्लिक भारत वाले। संबित पात्रा, गौरव भाटिया जैसों की बोलती बंद हो गई, टीवी चैनल पर जाकर गौरव भाटिया को भी गोर से मुर्दाबाद कहना पड़ा। संबित पात्रा का हर दफा मुंह लटकता हुआ दिखाई पड़ता है, और संबित पात्रा को कन्हैया कुमार ने कितनी बार सबक सिखाई है ये आप भी जानते हैं। कन्हैया कुमार जब भी इस तरह मीडिया पैनल पर बैठते हैं तो फिर विपक्षियों की बोलती बंद हो जाती है। कन्हैया कुमार की यह मजबूत शैली है। कांग्रेस जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर कन्हैया कुमार अपने अंदाज में दिख रहे हैं तो इससे कांग्रेस को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है और यह यात्रा काफी हद तक सफल हो जाएगी। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत किया है, कांग्रेस के कंधे को और भी बुलंद कर दिया है, ताकि आने वाले समय में जो कांग्रेस सोच रही है कि किस तरीके से देश में नफरत मिटाकर एक बार फिर से सही ढंग से शासन चले, सही ढंग से देश का विकास हो, उसमें यह भारत जोड़ो यात्रा, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और बाकी तमाम नेता भी जो है भरपूर योगदान दे रहे हैं और इसका असर भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो यह बड़ी खबर है कि कैसे कन्हैया कुमार पुराने रंग में लौटकर लोगों का दिल जीतने में लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।